दोस्तों बोट की तरफ से 27 मई को न्यू वे करके एक स्मार्ट वॉच लॉन्च होने वाली है। फीचर्स की बात करें तो कोई एक्स्ट्रा फीचर्स देखने को नहीं मिला है, वही सेम टू सेम फीचर्स हमें रिपीट देखने को मिलता है जो आजकल, मतलब नाम चेंज कर देते हैं, फीचर सेम होता है, थोड़ा बहुत लुक चेंज हो जाता है और वॉच लॉन्च कर दी जाती है। फीच और प्राइस की बात करें तो इसका प्राइस भी ऐसे ही होगा 1500-2000, जो कि मैं बोलूँगा अभी आगे वीडियो में बताऊँगा कि आपको ये लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। और एक और चीज़, 2000 रुपये में ब्लूटूथ कॉलिंग वाली स्मार्ट वॉच मिल रही है, वो भी इसी वीडियो में बताऊँगा कि इससे बेटर ऑप्शन आपके लिए वो बन जाता है। तो स्टार्ट करते वीडियो, अगर अच्छे लगे तो लाइक जरूर करना। तो सबसे पहले हमें जो फीचर्स की बात करें डिस्प्ले में, तो 1.69 इंच की डिस्प्ले देखने को मिल रही है, जो कि मैं बोलूँगा कि ठीक है, डिस्प्ले हमें बड़ी साइज़ की देखने को मिल जाती है। 2.5D कर्व ग्लास के साथ आती है, 35 ग्राम लाइट वेट लिखा है, लेकिन ये कोई लाइट वेट नहीं होता है गाइस, 35 ग्राम वेट बहुत ही ज़्यादा होता है। अगर ये 20 ग्राम 22 ग्राम होता देन लाइट वेट हम कह सकते थे, ये कंपनी कुछ भी लिख देती है। 10 स्पोर्ट्स मोड देखने को मिलते हैं हमें यहाँ पर, तो स्पोर्ट्स मोड भी मैं बोलूँगा बस ठीक ठाक है, मतलब कम ही है, ठीक ठाक क्या कम है। हार्ट रेट, SPO2, हमें स्लीप मॉनिटरिंग, ये सारी चीज़ देखने को मिल जाती है जो हमें अक्सर सभी स्मार्ट वॉच में देखने को मिलती है। बात करें ब्लूटूथ कॉलिंग की तो वो हमें इसके अंदर देखने को नहीं मिल रहा है, क्विक रिप्लाई का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, ये एक अच्छी चीज़ है। और बाकी तो वेदर वगैरह का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। यहाँ पर एक मिस्ट्री है गाइज, यहाँ पर म्यूज़िक लिख रखा है, टैप इनटू म्यूज़िक एंड मेमोरीज़, तो यहाँ पर शायद से ये म्यूज़िक प्ले हो या ना हो, ऐसा लग तो रहा है कि हमें यहाँ म्यूज़िक प्ले का ऑप्शन देखने को मिलेगा, बट अभी मैं कुछ क्लियर कह नहीं सकता हूँ, जब आगे लॉन्च होगी उसके बाद ही मैं कुछ बता सकता हूँ आप सभी को। यहाँ पर वाटर रेजिस्टेंट किस लेवल का है ये भी नहीं बताया, IP67 है या IP68 है, बस इतना छोड़ दिया है करके, तो अभी पूरी तरह से जानकारी क्लियर नहीं हो पा रही है। बस हमें जो भी अभी मेरे को देख देख के पता चल रहा है मैं आप सभी को बता रहा हूँ। और बैटरी लाइफ जो है 7 डेज़ की है, जो कि मैं बोलूँगा कोई खास नहीं है, एक एवरेज बैटरी लाइफ देखने को मिलती है हमें इसके अंदर, मतलब ये बोलूँगा कि 1 या 2 या 3 दिन मैक्स टू मैक्स चल सकती है, 3 दिन तो नहीं 2 दिन ही बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो अगर देखा जाए 1500 रुपये में ये वॉच लॉन्च होती है मार्केट में, तो आप इसे सजेस्ट कर सकते हो, आप इसे ले सकते हो, लेकिन 1500 से ऊपर लेना तो मेरे लिए मैं बोलूँगा कि बहुत ही बेकार बात रहेगी, क्योंकि आपको यहाँ पर एक एम्ब्रेन वॉइस ईओन करके एक स्मार्ट वॉच है वो देखने को मिल जाती है सिर्फ 2000 में, और उसके अंदर ब्लूटूथ कॉलिंग का भी सपोर्ट है। तो ब्लूटूथ कॉलिंग का सपोर्ट और बहुत सारे फीचर्स उसमें बहुत बढ़िया बढ़िया है, तो मैं बोलूँगा वो ज़्यादा बेटर डील हो जाती है हम सभी के लिए, आप उसे चेकआउट कर सकते हैं अगर आपको देखना हो, लेकिन मैं ये बोलूँगा बाकी वेट करते हैं। अगर ये 1500 रुपये में वॉच लॉन्च होती है और बोट की तरफ से आपको लेना है कि बोट के ही वॉच आपको पसंद है, तो आप इसको ज़रूर बाय कर सकते हैं। और ये वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।